हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाँ, मम्मी को फिर जाने के बाद। हाँ हाँ, अरे नहीं, इधर इधर, अरे नहीं। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हम लोग करीब 3 महीने से कर रहे हो। 3 महीने पहले मतलब लग ही नहीं रहा कि इतना जल्दी 3 महीना बीत गया और वो दिन आ गया कि आज हम लोग जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा। पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन हो चुका है सभी का, फिर भी बोलते जितना भी मतलब पैकिंग कर लो, कुछ ना लगता है भूल रहे वही वाली चीज़ हो रही है सबके साथ में। कल पैकिंग में बहुत बिजी थे। क्या हुआ कल पैकिंग में? बहुत ये देखिए सिवान से दिखी, हाय करो बेटा। तो कल पैकिंग में बहुत बिजी थे इसलिए कल मैं ब्लॉग नहीं बनाई। तो शाम को दीदी लोग आई फिर, क्योंकि आज हम लोग को जाना है, तो शाम को आई कल दीदी लोग। तो पैकिंग ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा किसी को कुछ याद आ रहा तो वो डाल रहे हैं। तो हम लोग का 4:30 बजे का ट्रेन है। सुबह से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है गाइस, बहुत बारिश। मौसम इतना अच्छा है ना सुबह से, क्या हुआ था, बिल्कुल भी धूप नहीं किया, बारिश हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं किया, बारिश हो रही है। तो मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, फिलहाल घर को ठीक करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सब समेटूँगी। तो बस अभी मैं यही ठीक कर रही थी ये रूम, पापा अभी सो के उठे हैं तो बस इला ठीक करूँगी। धीरे धीरे करके सारा घर ठीक करने के हम लोग जाएँगे। अरे देखिए राहुल जी का पैंट है, इसको ना ये लड़का को मतलब जब जाना होता तभी ही इसका निकलता है कि ये धोना है, ये जाना, ये लेके जाएगा ये पैंट है उसका। तो मम्मी कल धोई थी पर बारिश हो रहा है, धूप आता तो सूख जाता, बारिश हो रहा तो फिलहाल घर में सूख रहे, लग तो नहीं रहा कि सूखेगा। कोई नहीं, चलिए गाइस ब्लॉग को बने रही, आप लोग मैं जल्दी से घर बार ठीक कर देती हूँ, देन उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग का पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये सभी का बैग एक जगह ला के रख दिया हम, एक बड़ा वाला दीदी का है और एक बड़ा वाला मम्मी का है, एक मेरा बैग है, एक गीता का छोटा वाला पेटी है, यहाँ पे खाने का सामान का बैग रखा हुआ है, अभी इसमें जाएगा अभी टिफिन वगैरह सारा। और बाकी सभी का बैग यहाँ पे रखा हुआ है, गुन्नू का वो छोटा वाला बैग है। तो गाइस हम लोग हैं रेडी, खाना वाना खा लिया हम सब ने, देखे सब हो रहे, दीदी भी हो गए रेडी, देखिए जीजू को हो गए रेडी। जीजू से हाय। वहाँ पे देखिए राहुल अभी भी आयरन कर रहा है अपने ड्रेस, उसका तो कभी ख़त्म नहीं होता, लास्ट तक यार सारा पैकिंग वगैरह हो गया, दीदी ने सारा खाना वाना बना ली, हम लोग भी खा लिए, खा पी लिए, बस निकलना बाकी है। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, सब हो जाएंगे तो दरवाजा वाजा वगैरह सब लॉक होगा, फिर हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ओके गाइस, ब्लॉग बने रहो आप लोग, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हो रहा है चॉकलेट पार्टी। बेटा आप क्या खा रहे हो? गुन्नू बताओ क्या खा रहा? गुन्नू आपका बैग कौन सा है? घड़ी पहने का, ये वाला है गुन्नू का बैग। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर से निकल गए, मतलब अभी ताला मार रहे हैं घर में। तो 2 गाड़ी हम लोग मंगवाए हैं, एक्चुअली में पहले एक ही मंगवाए थे बट बारिश हो रहा है, सामान ऊपर में नहीं रख सकते, गाड़ी का भीग जाएगा, इसलिए 2 गाड़ी कर लिए। बहुत सारा सामान है, लगेज बहुत सारा है, तो इसलिए 2 गाड़ी कर लिए। तो पापा भी घर लॉक कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग रवाना हो चुके हैं स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो ये बड़ा वाला स्टेशन है खड़गपुर, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पे एक्सप्रेस वगैरह लेना होता है, यहीं से पकड़ना होता है। तो हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। एक्चुअली अभी हम लोग को पता नहीं है कि ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म में आएगी, एक्चुअली में वो तो 3 नंबर में ही आती है बट चेंज होते रहते हैं ना कभी कभी, तो इसीलिए हम लोग 3 नंबर में भी फ़िलहाल खड़े हुए हैं सभी लोग। अनाउंसमेंट होगा कि कौन सा स्टेशन प्लेटफॉर्म में आ रहा तभी जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुन्नू को, पूरा
एकदम ट्रैवलिंग बॉय लग रहा है मुझे, बहुत ही क्यूट लग रहा है देखिए। तो गुन्नू को लग गया भूख, तो जीजू उसके लिए लेके आया है चिप्स। वहाँ पे मम्मी लोग बैठी है, वो कोने में बैठी है, वेट का वेट कर रहा है। मेरी तुम कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा अभी मैं दीदी से पूछा, राहुल तुम कुछ कहना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है जर्नी? बहुत मज़ा आ रहा है। दीदी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना था कि आपको जर्नी में आके कैसा लग रहा है? गीता को बहुत मजा आ रहा है लेकिन वो बोली पूरा खुली नहीं समा रही है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, मुझे बोलती नहीं निकल रहा है इतना कुछ। सो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म में नहीं 4 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी, तो हम लोग आ गए हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ का वेदर देखिए गाइस, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर वेदर है आज का, बहुत अच्छा वेदर है। तो यहाँ पर भी सब बैठे हुए ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस आने वाली है, अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ट्रेन आ रही है करके, तो बस आने वाली है। ट्रेन हमारी आ चुकी है, अब हम लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। सो गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से। ये देखिए यहाँ पे गुन्नू, इसको अंगूर इतना अच्छा लग रहा है, जब से पापा लेके आए सुबह से अंगूर ही खा रहा है, इसको इतना पसंद है अंगूर, अंगूर ही खा रहा है सुबह से। सो हमें हमारी सीट मिल चुकी है, एक्चुअली सीरियल वाइज मिला है, एक सिर्फ ऊपर वाला किसी और का था तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। बस अब ये जो 6 सीट है ना ये हमारा ही है, तो सब बैठ गए हम अपनी अपनी सीट में। अकेला अकेला देखो इन लोग क्या खा रहा, अकेला अकेला पूरी खा ले रहे, तो हम लोग को कुछ भी नहीं रहा। तो गुन्नू आपको नहीं खाना बेटा? हेलो गाइस, आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि ट्रेन मतलब रनिंग में है अभी, कहीं रुका नहीं है। और अभी जस्ट हम लोग चाय पार्टी किए थे, चाय के साथ में टोस्ट खाए थे, सेव खाए थे, भूख लग रहा था हम लोग को, क्योंकि हम लोग आज ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, डायरेक्ट लंच कर लिए थे ना, जल्दी खा लिए थे, तो इसीलिए खा लिए हम लोग। तो अभी बैठ रहे हैं, बोर हो रहे हैं बैठ के, हम लोग का घर था सबसे बदमाश है, मस्ती कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राहुल बैठा है, तो मम्मी बैठी है, करीब अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग खा रहे हैं खाना। एक्चुअली जल्दी खा लिए थे दिन में आज, तो इस वजह से भूख लग रही है हम लोग को, तो खा ले के फिर अपने अपने जगह में सब चले जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि थक भी गए हैं काफ़ी, सुबह से बहुत बिजी है, सब काम में लगे हुए थे। तो ये देखिए गुन्नू को मिल गया है यहाँ पे खाना, खा नहीं रहा, वो बैठा हुआ गेम खेल रहा है। तो खाने में ना पूरी सब आलू का सब्जी, टमाटर का चटनी, पटल भाजा और चावल भी है। तो यहाँ पे जीजू से पूरी सब्जी खा रहे हैं, चावल अभी लिया नहीं है। ये देखिए गाइस ये फुल प्लेट है, यही है आज का हम लोग का डिनर। तो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बस सोने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे
दो तीन दिन से काफ़ी बिजी थे हम लोग, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा था किसी को भी। फाइनली हम लोग ट्रेन में हैं, जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया है बस, सब जा रहे सोने के लिए। तो पापा सो गए कि तब चले गए सोने के लिए, मम्मी नीचे सोई है और दीदी और जीजू बैठे हैं यहाँ पर और गुन्नू यहाँ पर बैठे हैं। दिख रहे हैं आप लोग? नहीं दिख रहा आप लोग, वो अंधेरा में बैठा है। ओके मैं आपको बैक करके दिखा। गुन्नू खा रहा है चिप्स। गुन्नू कैसा लग रहा है? हाय गाइस, बाय गाइस, बोलो बाय, बोलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, बोलो कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं गाइस, कल मिलते हैं। मम्मी मेरे के मम्मी भी सॉरी, उसका हंसी देखिए इतना क्यूट लगता है ना। ओके बेटा बाय बोलो, बाय बाय बाय। तो आज के वीडियो में ये प्लान करती हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि नेटवर्क को बहुत इश्यू का हो सकता है, वीडियो भी बहुत लेट से अपलोड हो, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगी। और चलो आज के वीडियो ये प्लान करते हैं और आपसे मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जीजू बाय, से बाय, दिवाली बाय। कल आना घर सबके लिए तरफ से बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।